अरे बापूजी, माँ को समझाइए ने, छुट्टी नहीं है, कल जाना है, मतलब जाना है। अपने देश की बागडोर उस इंसान के हाथों में फिर से सौंपने जो इतनी मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं हमारे लिए, तो हम उनके लिए चार कदम चलकर वोट देने तो जा ही सकते हैं ना। याद रखिएगा, जाना है तो जाना है। बस कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर हमला किया और अपने 10 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में राज्य ही नहीं बल्कि देश के विकास की नई रफ्तार पकड़ने वाली है। पीएम ने इसी के साथ ये भी कहा कि 4 जून के बाद देश की राजनीति में भी बड़ा हड़कंप मचने वाला है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी, सभी एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थित भाई और भौनी मनन को मोर नमस्कार। मैं देख रहा हूं यहां एक माता जी एक छवि लेके आई है। इस उम्र में भी वो कब से ऐसे ही खड़ी है। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, जो लोग कुछ न कुछ चित्र पर, यहां तो हर घर में कला है, जरा एसपीजी के लोग एक के बाद एक जो लोग लाए हैं उनसे ले लीजिए। अगर आपने पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। सबसे ले लीजिए, बड़े प्यार से लाए हैं। वहां पीछे भी बहुत लोग हैं, अगर यहां के सिक्योरिटी वाले मदद करके इन बच्चों को, अगर उनकी बड़ी इच्छा होगी मेरे तक पहुंचने की, जरा पीछे काफी बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चित्र बना करके ले आए हैं। ये कला का भी सम्मान है, ये नई पीढ़ी के प्रति मेरा प्यार भी है और मेरी नई पीढ़ी की जागरूकता का मुझे आनंद भी है। शाबाश। ये कलेक्ट कर लीजिए भाई, देखिए कैसा बढ़िया राम और लक्ष्मण को बना करके लाए हैं। परमात्मा आप सबको इस कला साधना में बहुत शक्ति दें और कला साधना में बहुत आगे बढ़े आप लोग। ये मेरे लिए छोटी चीजें नहीं है। मैं जब रात को जाता हूं तो इसे एक एक को मैं देखता हूं और मेरे मन को छू लेता है। जरा उधर से भी देखिए, ये बच्चे कुछ न कुछ लेके आए हैं, जरा पीछे से ले लीजिए भाई, मेरी कोई मदद कीजिए। एकदम पीछे जो है, देखिए, ये प्यार मेरे जीवन में बहुत मूल्यवान है जी, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 2024 का चुनाव कल शाम 5 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा।
पूरे देश का चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। आज 2024 की मेरी जो चुनावी सभाएं रही हैं, उड़ीसा में भी अनेक बार आया हूं, आज उड़ीसा की मेरी ये आखिरी सभा है और ये सुखद है कि भगवान बलदेवज्जू और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है। मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला है और आज मैं आपके बीच आया हूं, इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा और जो देने के लिए आया हूं वो मैं आपको बता दूंगा। बताऊं, जो लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात कर दूं, मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मैं आपको देने के लिए आया हूं 10 जून का निमंत्रण। 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री वो उड़िया की मिट्टी में पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगा। साथियों, उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार